हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हम बनाने वाले हैं बिल्कुल नए तरीके के आलू की रेसिपी है। बेसन आलू बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगने वाले हैं। आप लोग इसको बनाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आलू कई बार आप लोगों ने बनाए और खाए होंगे। एकदम नए तरीके से आलू जो बनाओगे, टिफिन बॉक्स, स्कूल बॉक्स यानी घर में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आलू हैं। यहाँ पर हमने 2 से 3 आलू लिए हैं। इनको कट कर लिया था। अपने पीसेज अपने हिसाब से रख सकते हैं। इनको 80% हमने उबाला है। बहुत ज़्यादा उबाला नहीं है, 80% हमने कट करके इनको उबाल लिया है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब आलूओं को हमें एक कटोरी में रख लेना है। हमने दिखाने के लिए थाली में रखा था। अब इसमें थोड़ा सा बेसन डालना है। हमने एक चम्मच यहाँ पर बेसन लिया है। ऐसे ही हमें इनको ऊपर से लगा देना है। बेसन अच्छे से इसमें चिपक जाएगा, क्योंकि ये हल्के गीले ही होते हैं, उबालने के बाद गीले ही होते हैं। ऐसे बिना पानी डाले ऐसे देखो अच्छे से चिपक चुका है। यहाँ पर हमने पैन लिया है, पैन में तेल लिया है, सरसों का तेल है। इसमें जीरा डाला है, जीरा अच्छे से चटकने लगा है। अब यहाँ पर हमने धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है। यहाँ पर हमने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। अच्छे से इसको चला देना है, जिससे कि ये मसाले अच्छे से पक जाएं। प्याज हल्का ब्राउन होने लगा है, इसी में 2 से 3 लहसुन की कलियाँ छोटी छोटी कट कर ली थी, उन्हीं को ऐड कर देना है। अब सारे मसाले अच्छे से ब्राउन होने लगे हैं। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसी में ऐड कर देनी है। तीखा अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ऐसे ही हमें इनको चलाते हुए सारे मसाले अच्छे से भून लेने हैं। यहाँ पर 1 छोटा शिमला मिर्च था, उसको बारीक कट कर लिया था, उसी को इसमें ऐड कर दिया। शिमला का ज़्यादा ही टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को पसंद है तो डालें, ना पसंद हो तो उसे कट कर सकते हैं। ऐसे ही हमें सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इसी में थोड़ा सा टमाटर हमारे पास था, उसको हमने डाल दिया। टमाटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा इसमें आता है। अगर आप लोगों को पसंद है तो लें, ना पसंद हो तो कोई बात नहीं। अब मसाले अच्छे से पक चुके हैं, बहुत ही अच्छे से पकने लगे हैं। अब यहाँ पर हमें नमक लेना है। नमक वो भी अपने स्वाद अनुसार, नमक तो हमें अपने स्वाद अनुसार ही लेना है। हमने 1/2 चम्मच नमक लिया है। अब सारे मसाले इसी में हमें अच्छे से मिला लेने हैं, जिससे कि नमक अच्छे से इसमें पक जाए। अब हमें जो आलू बेसन में लगा कर रखे थे उन्हीं को ऐसे डालकर अच्छे से मसाले मिला लेने हैं। जब अच्छे से मिलाएंगे तो क्या होता है, इसमें अच्छे से मसाले और नमक सब चीज़ अच्छे से भिज जाएगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी आलू लगते हैं। बेसन आलू हमें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हमारी तरह से आप लोग अपने घर पर बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। उससे पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। वीडियो पसंद अगर आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब ऐसे ही हमें आलू 10 से 15 मिनट तक अच्छे अच्छे से भून लेना है, जिससे कि इसमें जो बेसन डाला है अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तब तक इनको हमें ऐसे घुमा घुमा कर पका लेना है। बहुत बढ़िया से इनको चलाते हुए हमें पका लेना है। और गैस का फ्लेम जो है बहुत ही लो ही रखना है, क्योंकि आलू हमारे पहले से पके हुए थे 80%, थोड़ा बहुत है इसमें मिलाते भी हमारे आलू अच्छे से पक जाएंगे। अब आलू हमारे बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी ये रेसिपी। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हमने ऊपर से डाला है। बहुत ही ज़्यादा इसमें मध्यम मध्यम खुशबू आ रही है, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। हमारा पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।